आप मेरे पीछे जो ये बंगला देख रहे हैं, ये बंगला यहाँ के स्थानीय विधायक एनसीपी शरद पवार गुट के जो विधायक संदीप क्षीरसागर है उसका ये बंगला है। कल जब उपद्रवियों ने यहाँ पे उत्पाद मचाया, पूरे बीड शहर में उत्पाद मचाया, तो जो स्थानीय विधायक हैं उनका बंगला भी उसके जद में आ गया। जहाँ बताया जा रहा है कि कल देर शाम 500 से हजार की संख्या में यहाँ पे उपद्रवी इकट्ठा हुए और ज्वलनशील पदार्थ की सहायता से इस पूरे बंगले को आग के हवाले कर दिया गया है। सुबह की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए कि ये पूरा भयावह मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कई जो हैं वो गाड़ियाँ आपको जली हुई दिखाई दे रही होंगी, आगे का और पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से जल के नष्ट हो गया है। सिर्फ फोर व्हीलर ही नहीं बल्कि यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड में कई टू व्हीलर गाड़ियाँ भी हैं वो जल के खाक हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जब इस पूरे घटना को अंजाम दिया जा रहा था, पत्थरबाजी की जा रही थी, इस बंगले को आग के हवाले किया जा रहा था, तब संदीप क्षीरसागर के परिवार के करीब 8 से 9 लोग इस बंगले में मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते हुए बंगले के पीछे वाले हिस्से से जाकर कूद कर अपनी जान बचाई। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस दौरान ये पूरा घटना हो रहा था उस वक्त जो पुलिस है वो तमाशा देखती रही, पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिली और जो लोग अंदर मौजूद थे, संदीप क्षीरसागर के फैमिली मेम्बर जो मौजूद थे, उन्होंने किसी तरीके से पीछे की तरफ जाकर कूद कर अपनी जान बचाई है। तो आंदोलनकारियों ने जहां एक तरफ सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के दो विधायकों के घरों को भी निशाना बनाया। और इतना ही नहीं, घरों को निशाना बनाने के बाद कई गाड़ियां भी जो है वो फूंक दी गई है। मेरे साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जो कल रात इस जगह पे मौजूद थे जब इस पूरे बंगले को आग के हवाले किया जा रहा था। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि जब इस बंगले को आग के हवाले किया जा रहा था तब आप मौजूद थे यहाँ पर, आपने क्या कुछ देखा? हमने ये देखा है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आए, पहले पत्थरबाजी हुई, पुलिस मौजूद थी, पुलिस मौजूद होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने खुद देखा कि DYSP साहब यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ये जब पब्लिक अंदर घुस रही थी, ये जब तोड़फोड़ कर रही थी, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तमाशा देखते रहे। मैं तो इतना बोलूँगा, भीड़ शहर के अंदर जो भी हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ दो लोग हैं, एक SP साहब और दूसरा कलेक्टर साहब। इनकी चौकासी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इनकी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर समय रहते कुछ समय एक्शन ले लिया रहता तो इतना भयावह मंजर हमें देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, अगर समय रहते हुए अगर इन्होंने एक्शन लिया होता तो आज ये जो दिख रहा है ये मंजर नहीं दिखा होता। बीड़ शहर जो है एक शांति का पैगाम हम लोग बीड़ वासियों की तरफ से जाता है हमेशा, हम जो है मिलकर सब ये करते हैं। और संदीप क्षीरसागर का खुद मराठा समाज के लिए आरक्षण के लिए उन्होंने जाहिर पार्टी में डिक्लेयर किया था, उसके बावजूद ये निकालना बोले तो ऐसा हुआ कि कुछ जो है उनके अपोजिशन वालों ने जो है दुश्मनी निकालने के वास्ते किए होंगे काम ये। तो आपको क्या ये लगता है क्या कि इस आंदोलनकारियों की भीड़ में कुछ ऐसे उग्र लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, उसमें जो है तो मराठा आरक्षण के लिए सब जात के लोग उनके साथ हैं। और जो है तो सुबह में ही योगेश क्षीरसागर ने विधानसभा अध्यक्ष का राजीनामा दे दिया 30 तारीख को सुबह में, और राजेश्वर चौहान ने भी दे दिया राजनामा मराठा आरक्षण के समर्थन में। उसके बावजूद राष्ट्रवादी ध्वज जलाना और ये बंगले को आग लगाना ये कुछ मायने नहीं रखता। इसकी चौकसी होना चाहिए। जब ये लोग उनके समर्थन में अपने पद का राजनामा दे रहे हैं और फिर ये हरकत होना बोले तो ये कुछ आरक्षण का ये तरीका नहीं है उसका। ठीक है, जिस वक्त ये घटना हुआ है उस वक्त संदीप क्षीरसागर वो कहाँ पे थे और उनके परिवार के कितने लोग घर में मौजूद थे, उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, क्या कुछ पुलिस से मदद मिल पाई? पुलिस से कोई मदद मिली नहीं, उनके जो है कुछ कार्यकर्ता, उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने उनका जो है तो छोटे बच्चों को पीछे से जाके उनको बाहर निकाला, छोटे बच्चों एक हमदर्दाना तौर पर, बाकी नहीं तो बहुत बहुत बड़ी आनात ये टल गई है। नहीं तो अगर आग पूरे इसको, क्योंकि यहाँ 8-10 गाड़ियाँ थे उसमें पेट्रोल भरे हुए थे, वो गाड़ियों की वजह से फिर इधर जनरेटर था और कुछ जानवर जो थे उनके, वो भी जो है तो जानवर भी उनके भी ये हो गया। फिर इंसान तो इंसान, जानवरों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। ठीक है, क्या आप ये मानते हैं कि अगर वक्त रहते हुए या 2 से 3 दिन पहले धारा 144 लागू कर दिया जाता या कर्फ्यू लगा दिया जाता तो इतना भयावह मंजर हमें देखने नहीं मिलता, इतना भयंकर महातांडव आपको देखने नहीं मिलता? क्योंकि जिस रात को, कल रात को 8:30 बजे कलेक्टर मैडम ने संचार बंदी लागू की तो उसी टाइम अन्नाभाऊ साठे चौक में शिवाजी पंडित का बंगला जो है
वो जलाने के लिए गए थे, तो संचार बंदी की वजह से उन्होंने आश्रुधुर के नलकंडी छोड़े और वहाँ से पब्लिक चले गई। अगर वही पहले दो बजे से करते तो 144 संचार बंदी लगाते तो ये पब्लिक जमा नहीं होती। और यहाँ इसमें जो है जो मराठा लोग है, मराठा समाज के लोग तो थे, मगर उनका जो है आंदोलन चल रहा था जो शांत बोले तो क्या टायर जलाओ, सिर्फ रास्ता रोको, ये चल रहा था। बाद में उसमें जो है दूसरे समाज और दूसरे लोग जो उसमें लोग चले गए और उसमें अलग हिंसा। इतने दिनों से आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अब कल अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक जो जहाँ पे मिल रहा था उसको आग के हवाले कर दिया जा रहा था, सरकारी बंगले को आग के हवाले किया गया और दूसरा सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले किया गया, क्या कुछ ऐसा गलत हो गया? ये इसका जो है तो तुम्हारे तो 4 बजे से है तो जो है तो ये जो जितने भी है तो ये मराठा समाज के जितने भी थे ये सब है तो 4 बजे है तो ये जितने भी तो लोग विद्रोह जितने भी थे बाहर निकले ये, और ये निकल के 4 बजे उनको जो होश और उनका जो जोश उनका जो है तो वहाँ झरंगे पाटिल जो है तो वहाँ पे ओमरन भूषण को जो बैठे हुए थे वहाँ पर है तो वो है तो उनको है तो वो गुस्सा काबू में नहीं हुआ। अरे उनको है तो तुम्हारे है तो उनको इसलिए तो उनको है तो ज़्यादा है तो उनको है तो सपोर्टिंग ये हुआ कि पुलिस है तो वहाँ पर प्रशासन पुलिस है तो कुछ नहीं कर रही थी वहाँ पर, पुलिस खाली सिर्फ तो तमाशियों का काम कर रही थी खाली सिर्फ, तो सिर्फ तो उसके अंदर दो ही है तो इसके अंदर है तो तुम्हारे DSP इसमें SP और कलेक्टर ही है तो इसके अंदर है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो यहाँ के स्थानीय लोग थे जिन्हें आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना था जब इस बंगले को आग के हवाले किया गया तो ये सभी यहाँ पर मौजूद थे और ये सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के लेट लतीफी के कारण ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और इस पूरी बात की जांच की जानी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं इस पूरी घटना को लेकर उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग अब हिंसक रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के बीड जिले में देखने मिला है। बीते सोमवार के दिन मराठा आंदोलनकारियों ने सड़क से लेकर नेताओं के घरों को और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र के बीड जिले में और ये बीड जिले का ST बस डेपो है। यहाँ देखिए कि 60 से 70 की संख्या में आपको बसेस दिखाई दे रही होंगी। कल देर रात की घटना है जब आंदोलनकारियों ने बसों पर पहले पथराव किया, उसके बाद इन बसों को आग के हवाले कर दिया। अब देखिए कि किस तरीके से जो बस का अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से पत्थरबाजी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है और कुछ इस तरीके की जो तस्वीर है आपको हर एक बस की दिखाई देगी। पहले इन बसेस पर पत्थरबाजी की गई है, उसके बाद इनको आग के हवाले कर दिया गया है। सिर्फ ST बस को ही नहीं निशाना बनाया गया बल्कि आंदोलनकारियों ने कई नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया, उनके गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ कई ऐसे सरकारी दफ्तर थे जिनमें आगजनी की गई। अब इस पूरे मामले को देखते हुए राज्य सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस पूरे कल की घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरे जिला में धारा 144 लगा दिया है, साथ ही साथ जो नेट बंद इस पूरे इलाके में नेट बंद कर दिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, अन्यथा इस समय घर से निकलने से बचे। मराठा आरक्षण आंदोलन अब हिंसक रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है, जहां हिंसा की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र के बीड जिले में देखने मिली। कल यानी बीते सोमवार के दिन मराठा आंदोलनकारियों ने नेताओं के घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक और ST बसेस को निशाना बनाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीड शहर में, ये ST बस डेपो है। यहाँ पर डेपो में इस वक्त आपको करीबन 60 से 70 बस जो है वो खड़ी दिखाई दे रही होंगी। कल रात की घटना है जब हजारों की संख्या में जो मराठा आंदोलनकारी है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पहले इन बसों पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद एक एक कर इन बसों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई और अब तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो बस है उनके कांच टूटे हुए हैं, साथ ही साथ बस के चारों तरफ आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। अंदर की तरफ जो सीट पर आप देखेंगे तो सीट पर भी कांच के टुकड़े हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि ये जो बस डेपो है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद यहाँ
यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ बस कर्मी ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, यात्री जो है वो यहाँ पर नहीं है। कल की घटना के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। इस पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे, सोशल मीडिया पर कोई मैसेज ना वायरल हो, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे ज़िले में नेट पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही साथ जो आंदोलनकारी है उनसे भी ये कहा गया है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। मैं इस वक्त बीड शहर में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये एनसीपी शरद पवार गुट का बीड जिले का दफ्तर है। कल जिस प्रकार से हिंसा हुआ और जिस तरीके से आंदोलनकारियों ने चार मंजिला इमारत, ये एनसीपी शरद पवार गुट का पार्टी दफ्तर है, जिला दफ्तर है, जिसको कल आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ये तस्वीर देखिए आज सुबह की कि किस तरीके से जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गया है। आपको चारों तरफ जो है वो कुर्सियां जली हुई दिखाई दे रही होंगी, साथ ही साथ पार्टी का जो झंडा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। बता दें कि इस दफ्तर का उद्घाटन शरद पवार के हाथों किया गया था साल 2014 में और उसके बाद से ही ये जो है वो जिला दफ्तर के तौर पे जाने लगा था। और जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं शरद पवार गुट के, संदीप सिरसागर, उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियाँ जलाई गई और विधायक के घर को आग के हवाले करने के बाद आंदोलनकारियों ने यहां पर पार्टी दफ्तर को भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कल मराठा आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। मेरे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था वो इतना उग्र कैसे हो गया। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से ये आंदोलन उग्र हो गया ये बताएं। जो मराठा आंदोलन के नेता श्री आदरणीय जरांगे पाटिल, उन्होंने शांति मार्ग से ही आंदोलन करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ लोग जो हिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया वो पूरे गलत है और ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत हो चुका है। और जो शांतता मार्ग आंदोलन चल रहा था उसी तरीके से आरक्षण होना था और आरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने तो हमेशा से अपील किया है कि आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, बीते कई दिनों से वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तो इसके बावजूद भी आप लोगों ने क्यों इस तरीके का रुख अपनाया? अब आंदोलन करने नहीं, इसका तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो आदमी 6 दिन से बिना कुछ खाए पिए बैठा और वो अपील समाज से अपील करता है कि हिंसा नहीं अपनानी चाहिए, तो हिंसा बिल्कुल ही नहीं अपनानी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन का मार्ग ये हो सकता है, गलत तरीके से जा सकता है। इसलिए आरक्षण अगर मिलना है तो अहिंसा से ही लेना चाहिए और इसी पे जो हमारे नेता है जरांगे पाटिल वो इसी पे ठाम है और हम सब उनके पीछे उसी तरह से है, अहिंसा से ही हम आरक्षण लेंगे। ठीक है, मेरी दूसरी तरफ यहाँ पे जो उपाध्यक्ष है पार्टी के वो मौजूद हैं। आप बताइए कि आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, किस तरीके से फिर ये उग्र हुआ और इस पार्टी दफ्तर को कैसे आग लगाया गया? आंदोलन बहुत ही अच्छे से चल रहा था और जरांगे पाटिल साहब ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया बहुत अच्छी बात है और उस पर उन्होंने अमल करना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोगों ने, कुछ शरपसंद अनासिर ने इसमें मिलकर बीड के अंदर कल 4 घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक एक तांडव मचा दिया था और उस तांडव के अंदर उन्होंने कई जगह पर आग लगाई, कई दुकानों को आग लगाई, कई ऑफिसेस को आग लगाई, दवाखानों को आग लगाई, जहाँ से मदद होती है उस दवाखाने को आग लगाई गई है और जो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको भी आग लगाई है। ये एक हिंसक वड़न ने संदीप क्षीरसागर साहब जो MLA मौजूदा हैं हमारे और पार्टी के अध्यक्ष जिला, उनके घर को भी आग लगाई है। ये घर को आग लगाई है तो गनीमत हुआ कि उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके भाई के बच्चे, वो सबको बचा लिया गया, वरना आज क्या हाल होता, एक घर भरा भराया घर जला दिया जाता था। ये हिंसक जो आंदोलन कर रहे हैं ये जरांगे पाटिल के विचार के लोग नहीं नज़र आ रहे, ये कुछ और विचार के लोग नज़र आ रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ जलाना है। और मेरी ये बात है कि प्रशासन ने इस 5 घंटों के अंदर कोई रद्द अमल नहीं किया,
प्रशासन बस सिर्फ देखता रहा, किसी के घर जल रहे हैं, किसी का ऑफिस जल रहा है, किसी की दुकानें जल रही है, प्रशासन ने कहीं मदद नहीं की। और इस वक्त ये गृह मंत्री, इन्होंने राजीनामा देना चाहिए कि ये क्या तांडव मचा है। आज लोग भयभीत है, आज शहर में ऐसा माहौल है कि लोग अपने गाड़ियों को, घरों को छोड़ छोड़ कर दूसरे गाँव में जा रहे हैं, कहा कि कहीं हमारे घर को आग लगा दी जाए। ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, और प्रशासन जो है तमाशा देखती रही। बिल्कुल, प्रशासन तमाशा देखती रही, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, प्रशासन आगे पीछे इनके साथ था, गाड़ियां थी, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सका। जबकि ये 5 घंटे तांडव चला। अगर प्रशासन कहता है माजलगांव में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां प्रकाश दादा सोलंकी साहब का घर जलाया गया एमएलए का, लेकिन वहां दो कल परसों घटना हुई थी, लेकिन यहाँ भीड़ शहर के अंदर ये 5 घंटे तक आंदोलन चलता, ये अहिंसक आंदोलन नहीं कहेंगे इनको, एक हिंसक भावना लेकर लोग चल रहे थे, और ये इसको रोकने के लिए प्रशासन ने कोई मदद नहीं। ठीक है, तो ये पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है जो बता रहे थे कि किस तरीके से 5 घंटे तक यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का तांडव चलता रहा, एक के बाद एक सभी चीज़ों को आग के हवाले कर दिया गया। अब हम आपको ऊपर ले जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो आग लगने के बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो भयावह तस्वीर है वो आप देखिए। यहाँ पर सीढ़ियों से आप देखेंगे तो कांच के टुकड़े आपको इस वक्त भी नज़र आ रहे होंगे, अंदर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ जो है वो इस वक्त आग को बुझा दिया गया है, लेकिन जो निशान है उसके साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हैं, कांच के टुकड़े आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ अब से कुछ ही देर पहले आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन किस तरीके से भयावह मंजर है आप वो साफ तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ यही ऑफिस नहीं बल्कि कई ऐसे सरकारी ऑफिसेस हैं जिनको कल आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए कि अलग अलग नेताओं के जो फोटो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरीके का जो भयावह मंजर है वो अलग अलग ऑफिसेस में, अलग अलग नेताओं के घरों पे आपको देखने को मिलेगा। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो पंखे हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर अब सब चीज़ जो है वो निश्चयनाबोस्त हो चुका है, और यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो पूरा मंजर है वो खौफनाक हो चुका है, और कोशिश यही की जा रही है कि इन सभी चीज़ों को फिर से रिस्टोर कर लिया जाए, लेकिन इसमें अब समय लगेगा। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, बीड, महाराष्ट्र।